एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, एक प्यारी सी नई सुबह के साथ शुरुआत करते हैं एक प्यारे से नए दिन का। तो दिन है मंगलवार का और ये उस समय का वक्त है जब मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी थी। तो आज जो है ना, बच्चों को छोड़ने मैं ही गई थी, मैंने बच्चों के पापा को नहीं उठाया था। और जाने का रीज़न दो थे, एक तो मेरी वॉक हो जाती, दूसरा मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बिल्कुल काला घना बादल आ गया था। मतलब एक पल तो ऐसा लगा कि बस अभी 5-7 मिनट में जो है ना बारिश हो ही जाएगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। लेकिन हाँ, मौसम दोपहर तक कुछ इसी तरीके का था। अब यहाँ पर जो है ना, बच्चों को तो मैं भेज चुकी थी, लेकिन बच्चों के पापा की जो है ऑफिस जाने की तैयारी चल रही है, तो बस उन्हीं के लिए जो है मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने ना इससे एक दिन पहले साग जो है वो बना के रख दिया था, अभी मुझे सिर्फ साग फ्राई करना है। तो साग रात को ही मैंने बनाया था, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर प्याज चॉप्ड कर रही हूँ, 3 प्याज जो है मैंने अच्छे से चॉप्ड कर दिए हैं। कढ़ाई ले ली है और साग को फ्राई करेंगे घी में, क्योंकि साग का मज़ा तो घी में ही आता है। और सच बताऊँ, जब आप कोई चीज़ बिना मन से बनाते हैं तो वो अच्छी बनती है, ये सच बात है। मैंने कितनी बार नोटिस कर ली है ये चीज़। मैंने साग भी ना बिना मन से बनाया था, मेरा बिल्कुल, सच बता रही हूँ, बिल्कुल मन नहीं था। इससे पहले जब भी मैंने 2-3 बार साग बनाया ना, मैंने अपना जी जान लगा दिया था पूरा, और इस बार मैंने बस ऐसे ही बना दिया कि बस बना दूँ। जब पतिदेव साग का सामान ले ही आए थे तो मैं मना भी नहीं कर सकती थी। और मेरी बहन को मैंने उस वक्त फ़ोन भी किया था, तो उसने बोला, मतलब मैं उससे बात कर रही थी कि यार आज मेरा साग बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बना दिया है। तो उसने बोला, देख दो ही चीज़ें होंगी, या तो बहुत अच्छा बन जाएगा या बहुत ही गंदा बनेगा। तो गंदा तो नहीं बना था, वाकई काफ़ी अच्छा साग बन गया था। मतलब शॉर्टकट भी कभी अपनाओ ना तो चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। उधर जो है मैंने साग फ्राई कर दिया है और इधर मैं गूंदूंगी आटा, बस उनके लिए जो है फटाफट से मैं रोटी बना दूंगी। और बच्चों को ना सुबह मैंने सैंडविच ही दिए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मम्मा हम लोग जो है लंच तक तो घर आ ही जाएंगे, तो आप हमें कुछ हल्का फुल्का ही देना। लेकिन हुआ ये कि जब वो घर आए ना, तो उनको इतनी तेज़ भूख लग चुकी थी, घर आते आते तक उन्हें 12:30 बज ही चुके थे। तो उन्होंने फिर बोला कि मामा आज से हल्का फुल्का मत देना, अब आप हमें वही सेम पराठा और सब्ज़ी ही देना, हमारे पास काफ़ी टाइम होता है एग्ज़ाम के बाद। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे भी तुम बोलो, क्योंकि मैं तो उन्हीं के हिसाब से ही जो है उन्हें टिफ़िन देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जो है ना वो भिगो के रखे थे, तो जिनमें से बादाम के जो है मैं छिलके निकाल रही हूँ, और थोड़ी सी किशमिश भी मैंने भिगोई थी। तो आज सुबह बच्चे तो नहीं खा के गए, तो वो आने के बाद खा लेंगे। फ़िलहाल ये मैंने छील के रख दिए हैं, क्योंकि हस्बैंड के टिफ़िन के लिए ये मैं रखने वाली हूँ। बस साग जो है बन चुका है, उसको मैंने थोड़ा सा खुला ही छोड़ दिया है, ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, और तब तक जो है ना मैं रोटियाँ बना लूँगी और फिर जल्दी से जो है पैक करेंगे हस्बैंड का टिफ़िन। अब यहाँ पर कर लेते हैं कुछ बातें। अभी इससे पहले वाले वीडियो में जब मैंने बताया था कि अभी जैसे मेरा वेट बढ़ रहा है, तो मैंने बोला था कि हाँ, मैं ही शायद अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो उसमें ही एक दो कमेंट्स आए थे, जिसमें एक कमेंट ये था कि आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, आप उस टाइम पे वॉक पे चले जाया करो, तब तो आपको मतलब सोने की लग जाती है, या तो आप सो जाते हो या बैठ के टीवी देखते हो। तो यार देखो, सुबह से जो बंदा काम कर रहा है वो थोड़ा तो रेस्ट चाहेगा ना, तो यही रीज़न होता है। एक वही टाइम मुझे मिलता है जब मैं थोड़ा सा फ्री होके अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ, क्योंकि सुबह से ये होता है कि जैसे उठते हैं उसके बाद अपने घर के काम, और पहले बच्चों के लिए टिफ़िन, फिर हस्बैंड के लिए टिफ़िन, उसके बाद पूरे घर के काम, इस बीच मुझे जो है व्लॉग की एडिटिंग भी करनी होती है। तो इन सारे कामों में पूरा दिन का वक्त ऐसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। अगर उस बीच थोड़ा आधा पौन घंटा फ्री मिलता भी है ना, तो वो आधा पौन घंटा कब निकल जाता है ना, उस चीज़ का पता ही नहीं चलता है। इसीलिए एक वो जो टाइम होता है बच्चों का ट्यूशन जाने का, तो उस बीच मैं चाहती हूँ कि मैं 1 घंटे का जो है रेस्ट कर लूँ, आराम से टीवी देख लूँ। उस टाइम पर तो मेरा मन ही नहीं करता है कहीं जाने का, और वैसे भी बच्चों का ट्यूशन का टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी वो 3:30 बजे जाते हैं, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। तो उस टाइम पे तो वॉक करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब जो है मौसम चेंज होने लगा है। तो अभी यह है कि हाँ, शाम का टाइम एकदम परफेक्ट होता है, शाम के टाइम मैं जो है निकल सकती हूँ। तो मतलब यार समझिए, थोड़ा टाइम तो अपने लिए भी चाहिए होता है ना, क्योंकि
ये सुबह मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, और जो बंदा सुबह 5:30 बजे उठ जाए उसके बाद उसे 1.5 से 2 घंटे का एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि एक वही टाइम होता है, उसके बाद फिर जो वो इवनिंग वाले टाइम होते हैं ना, वो भी हमारे जो है काम वाले टाइम ही होते हैं, उसमें भी फिर हमें वही भाग दौड़, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें होती है यार। तो बस एक वही रीज़न है कि मैं उस टाइम पर जो है नहीं निकल पाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है हस्बैंड को भेज दिया है ऑफ़िस, और उनके टिफ़िन में आपने देख ही लिया है साग रोटी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और एक मैंने चुकंदर भी उनको कट करके दिया था। उन्होंने स्पेशली बोला है कि मुझे ये जो बीट रूट है ना, इसको जो है कट करके दे देना, और मैंने उसमें ना हाफ नींबू भी रख दिया था, और थोड़ा सा काला नमक मैंने अलग से जो है पेपर में रख दिया था, क्योंकि सैलेड ना जब तक थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और नींबू ना हो तब तक खाने में मज़ा नहीं आता है। उसके बाद मैंने अपनी ये सुकून वाली चाय बनाई है। बस इस चाय में थोड़ा सा ये अंतर हो गया है कि अब मैं वो दूध वाली चाय ना पीकर ये ग्रीन टी जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मंगवाई हुई है, जो मैंने आपको बताया था गुड़हल की है और अपराजिता के फूलों की चाय, वो सब मैंने मंगवाई है, और दूध वाली चाय मैं सिर्फ एक टाइम पीती हूँ, वो भी सिर्फ जब मैं अपना नाश्ता करती हूँ बस। उसके बाद मैं अब इवनिंग में भी जो मिल्क वाली टी है वो नहीं लेती हूँ। शुगर तो मैंने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल आउट कर दी है, उसकी जगह थोड़ा सा जैगरी पाउडर का मैं यूज़ कर लेती हूँ। और हाँ, एक कॉमेंट ये भी आया था कि दी अब गर्मी आ जाएगी तो जैगरी पाउडर जो है ना आपको सूट नहीं करेगा, गर्म होता है, तो बिल्कुल इसी वजह से ही मैंने अपने लिए वो जो चाय है वो मंगवाई है, जो ग्रीन टी होती हैं, क्योंकि कोशिश करूंगी कि आगे आते आते ये वाली चाय भी मैं छोड़ दूं, या फिर जैगरी पाउडर का यूज़ और भी ज़्यादा कम कर दूँ। फिलहाल तो मैं कम ही कर रही हूँ। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद अब लग जाते हैं वही अपना घर के कामों पे। तो मैंने बाहर की जो है थोड़ी बहुत डस्टिंग की, इस बीच जो है मैंने अपने गाने भी लगा लिए थे। वंशिका के पापा क्या करते हैं ना कि दरवाज़ों के पीछे कपड़े उनके इतने सारे रहते हैं ना, जो धुलने वाले कपड़े होते हैं, पता नहीं क्यों इन आदमियों की ये आदत होती है कि ये कपड़े धोने के लिए नहीं डालेंगे, ये उनको ना इकट्ठा करते रहते हैं दरवाजे के पीछे, और फिर वो एक दिन मुझे ही सारे हटाने पड़ते हैं। तो बस जो भी धुलने के कपड़े थे वो मैंने वहाँ से हटा दिए हैं। अब आई हूँ इस वाले रूम पे और बस रूम ठीक ठाक करूँगी। बेडशीट भी चेंज करने के लिए हो रही है, लेकिन आज छोड़ देती हूँ क्योंकि आज और कपड़े हैं, पहले वो वॉश कर लूँ। वैसे अब ये तो है कि अभी मौसम तो ठीक ठाक ही है, अब ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो यही है कि अपने लिए थोड़ा सा बर्डन हो जाता है, तो पहले वो वाले कपड़े सूख जाएं धुल के, उसके बाद ही मैं बेडशीट जो है नेक्स्ट डे चेंज करूँगी। आज मुझे ना ये किचन वाली बैल्कनी जो है वो वॉश करनी थी, तो जब भी मैं किचन की बैल्कनी धोती हूँ तो मोस्टली ये किचन वाला जो पार्ट है मेरा पूरा, इसको भी मैं वॉश कर देती हूँ, तो बैल्कनी के साथ साथ ना ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो हल्का हल्का सा पानी मैंने जो है इधर फर्श पे भी डाल दिया है और वाइपर से जो है अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अब बारी आती है ये वाली बैल्कनी को क्लीन करने की। यहाँ पर ज़्यादा पानी मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि मशीन है ना, तो बार बार जैसे मशीन के नीचे पानी जाता है तो फिर मशीन ख़राब होने का भी डर होता है, इसलिए इसको भी मैं वीक में एक ही बार जो है इस वाले बैल्कनी को क्लीन करती हूँ। कभी जब बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है तो फिर वीक में 2 बार भी मुझे धोना होता है। तो बस बैल्कनी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, वाइपर मारने के बाद अब मैं लगा दूंगी पोछा ताकि ये जो है ना एरिया अच्छे से सूख जाए। वीडियो को ना आप ध्यान से देखते रहिए, मैं आपसे कुछ पूछने वाली हूँ, ये समझ लीजिए कि मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मेरे घर की हर एक चीज़ जो है बहुत गौर से देखते हैं, क्या चीज़ मैं नई लेती हूँ, क्या चीज़ मेरे पास पहले से रखी हुई है, वो सब आप लोगों को पता रहता है। तो जल्दी से बताइए कि आपको ड्राइंग रूम में क्या चीज़ नई नज़र आ रही है ना। आपके कमेंट्स का वेट करूंगी और मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग मुझे और मेरे व्लॉग्स को कितने ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, पोछा ओछा लगाने के बाद मैंने जो कपड़े लगाए थे वो धुल चुके हैं, बस इनको जो है निकाल के धूप में सुखाऊंगी, और इसके बाद जितने भी मेरे किचन के टॉवल वगैरह है ना वो सारे जो है मुझे धोने हैं, तो वो भी जो है मैं धोने के लिए अभी ही डाल दूंगी। और मैंने ना 4 किलो जो है सर्फ़ मंगवाया हुआ था, तो वो भी जो है मैंने अभी बॉक्स में ट्रांसफ़र नहीं किया है, 2-3 दिन हो चुके हैं उसको आए हुए, तो मैं ना वेट कर रही थी कि पहले ही जो डब्बे में रखा हुआ सर्फ है ना ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही बाकी का सर्फ जो है इसमें मैं डालूंगी। तो ये है कि 4 किलो जो सर्फ होता है ना वो चल जाता है, 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, क्योंकि ये जो फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, इसकी यही एक थोड़ी सी मतलब एक माइनस पॉइंट है इसका कि इसमें सर्फ बहुत ज़्यादा लगता है। नॉर्मल जो मशीन होती है ना उसमें सर्फ कम लगता है, क्योंकि हम एक बार जैसे सर्फ डाल दिया तो 2 से 3 बार के कपड़े आराम से वॉश हो जाते, लेकिन इसमें यह है कि एक बार में जितना सर्फ आप डालोगे
नहीं यूज़ हो जाएगा, फिर आपको जब आप दूसरा जो है कपड़ों का लॉट लगाते हैं तो आपको फिर दोबारा सर्फ डालना होगा। तो यहाँ पर बॉक्स जो है वो मैंने फुल कर दिया है और बस अभी सुखा देंगे फटाफट से कपड़े। देखिए मौसम को, सुबह तो कितना काला घना बादल हो गया था जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, और जब मैं बच्चों को लेकर आई ना, ये करीब 12:30 बजे का वक्त है, 12:30 से थोड़ा सा ऊपर का टाइम है। इस टाइम तक तो इतनी तेज़ धूप आ गई थी, आप खुद ही देख सकते हैं, मतलब कोई कहेगा भी नहीं कि सुबह इतना काला बादल था। ऐसा लग रहा था कि बस बारिश अभी हुई और तभी हुई, बट ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। तो इधर जो है मैं कपड़े भी सुखा रही थी और बच्चों को भी ना मैं कुछ कुछ बोल रही थी, क्योंकि आज जो है बच्चों का पहला एग्ज़ाम था, तो दोनों बच्चे काफ़ी जल्दी जो है घर आ गए थे। और बस उसके बाद फिर उनका वो होता है कि ट्यूशन भी उन्हें फिर जल्दी ही जाना होता है, तो मैंने उन्हें बोला कि थोड़ी देर तुम अभी रेस्ट कर लो, थोड़ी देर टीवी देख लो जब तक तुम्हारा ट्यूशन का टाइम नहीं होता है, उसके बाद फिर तुम लोग जो है ट्यूशन के लिए निकल जाना लंच वगैरह करके, और मैं बस यहाँ पर अपना कपड़े वगैरह तब तक फोल्ड कर दूँगी। और इसी के साथ जो है इस वाले वीडियो का मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।